जिस माँ को हम गाय को माँ मानते हैं, ये उनकी बात करते हैं कटवाने की। जो कहते हैं ना, हाथ कभी ना देगा किसी का साथ, ये मोदी है सबका साथ और सबका विकास। एक गौ को भी माँ के रूप में पूजा जाता है और महिलाओं का सम्मान होता है, ये क्या जाने सम्मान होता क्या है। मोदी है तो सम्मान है, मोदी है तो सुरक्षा है। हाँ मैडम, नारी शक्ति अधिनियम, नारी शक्ति अधिनियम किसने दिया? महिला हेल्पलाइन किसने दी? कोरोना काल में वैक्सीन किसने दी, बताएगा कोई मुझे? मोदी जी ने। मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है। हमारी चार जाति हैं, गरीब, युवा उत्थान, किसान सम्मान और महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के महिला का अपमान करती है ये नारी है? बिल्कुल नहीं। आप क्यों अपमान कर रही हैं महिलाओं का, ये सवाल है। अपमान किया मैंने बहन जी, ये बता दीजिए मुझे। देखिए आप चलिए चलिए चलिए, मैंने कोई गलत बात नहीं कही भैया। देखिए गाय हमारी माता है, सब मानते हैं, तो बैल को कैसे छोड़ा दिया गया? तोते बताऊं, हम अपनी माँ का अपमान कभी नहीं सहेंगे। बैल की सुरक्षा सुरक्षा कीजिए ना। देखिए सड़कों पर भी बैल घूमते हैं, उससे एक्सीडेंट होते हैं, हमारे किसान परेशान है, तो उसके लिए भी तो मोदी जी कुछ। अभी तक सुना था कि तोते रटा हुआ बोलते हैं, यहाँ नंदी की भी पर बैल की भी पूजा है और गाय की भी पूजा है। नंदी रूप में बैल को पूजते हैं हम। सुनो भैया, अभी तक सुना था रटा रटाया तोते बोलते हैं, पर ये तो मैना चुंगी बोल रही है। आपके कहने से ऐसा नहीं होगा। देखिए आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, नांगल जट में एक्सीडेंट हुआ, छोड़ा पशु इतना घूम रहा है, आप उसका भी प्रबंध करें, आप उसका भी प्रबंध। महिलाओं के बीच में नहीं। हाँ बताओ भाई। महिला अधिनियम, नारी शक्ति अधिनियम, वंदन अधिनियम, देखिए किसने दिया है? नारी शक्ति अधिनियम हमारे जवाहरलाल नेहरू ने दिया, हिंदू कोड बिल उन्होंने दिया। बड़ी अपर कास्ट में बोलने का अधिकार नहीं था, घरों में अंदर रहने का अधिकार था, ये हमारे बाबा साहब ने दिया। महिलाओं को पहचान जो है मोदी ने दी, आज हर आवास के बाहर महिलाओं का नाम है। पप्पू की मम्मी और बंटी की नाम मम्मी के नाम से लोग जानते थे, मर जाती थी तो लोगों को पता नहीं था कौन मरी, बंटी की मम्मी मरी या पप्पू की मम्मी मरी, तुम्हारा नाम कौन जानता था। आज राशन कार्ड की मुखिया महिला है, आज आवास। ये देन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की है, आपकी नहीं, ये हमारे बाबा साहब हमें दे गए हैं, किसी की भीख नहीं। बाबा साहब ने अहिल्या फूले दुबे ने शक्ति और शिक्षा का अधिकार बाबा साहब की अहिल्या फूले बाई ने दिया है और उसको सम्मान आज की तारीख में मिला है, मोदी सरकार में मिला है। मैंने देखा है दलितों का सम्मान, हमारे यहाँ चार जाति, जैसे कि मैंने क्या सम्मान दिया, हाथरस में रात में जलाने का सम्मान दिया, किस विधि से जला दिया उसको बताओ मुझे। कि हमारे हिंदू धर्म में शमशान में सांग के टाइम चिता नहीं जलती, रात में मट्टी का तेल छिड़क के उसे जलाने का सम्मान दिया, क्या सम्मान दिया? अयोध्या में एक पुलिस कर्मचारी उसको नंगा करने का सम्मान दिया, मणिपुर में नंगा कर दिया उसको, उसका सम्मान दिया, उस पे नहीं बोली। जो कुछ महिलाओं को अच्छा हो रहा है वो आपको नहीं दिखाई देता? या आंखें बंद रखती हो अपनी, जो अच्छा हो रहा है उसे भी तो देखो। कितनी इज्जत दी, इज्जत घर बनाकर, कितना सुंदर नाम दिया शौचालय को, इज्जत घर बनाकर। आप गाँव की रहने वाली हो, उस पृष्ठभूमि की अपने आप को नहीं जानती, कितना सम्मान दे रही है सरकार। मोदी जी के अलावा किसी ने सम्मान दिया आज तक महिलाओं को? मैं बता दूं, मैं गांव से बिलोंग करती हूं और वो इज्जत घर गांव के बाहर बन रहे हैं और ताले पड़े हुए हैं। अरे उस इज्जत घर की इज्जत तो करो पहले। मायावती, मायावती हाँ जी बात सुनो, हम तो मायावती के साथ में पहले साहब भी हैं, अम्बेडकर के साथ में भी हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और तब भी न मोदी ने कुछ नहीं कर रखा है हमारे लिए, समझे? मोदी ने कुछ नहीं कर रखा है हमारे लिए और हमारे बच्चे भी मजदूरी करते हैं। भगवान से डरो, भगवान से, जितना मोदी जी ने किया किसी ने किया ही नहीं था आज तक। भगवान से नहीं, डर ने करा ही नहीं, 70 साल में तो कांग्रेस ने करा ही नहीं, 10 साल में मोदी ने कर दिया सब कुछ। पास कोई जवाब नहीं है, 565 रियासतों को बनाकर देश बनाया है, लूट के खा गई तुम्हारी कांग्रेस, लूट के खा गई। अभी जो अभी 370 हटाई और मंदिर ही बनवाया, अकेले मोर्चा ले लिया भाजपा से, पढ़ाई को छोड़ के मंदिर का घंटा बजवाने का काम करा है अकेले। हमारी बात सुनो, मायावती ने सब कुछ करा और राशन बांट रही है, 5 किलो का राशन, राशन में क्या पेट मायावती के साथ है? हम मायावती के साथ है, चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं। यहाँ के दलित चंद्रशेखर आजाद के साथ है, दावा है। हम नहीं जाएंगे उसके साथ, नहीं जाएंगे, मायावती के साथ जाएंगे, मायावती के साथ जाएंगे, मायावती के साथ है, मायावती की। राशन दे रहा 5 किलो में, हमारा पेट थोड़े भर रहा राशन में, हमारा राशन में पेट नहीं भर रहा,
जो कि महाराज तो मोदी जी ने तो बहुत काम किया महिलाओं के। नहीं 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 कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की बार मनोज साहब आलो। सम्मानित सम्मानित साथियों, आज मौका है, मौका है। चलिए भाई बताइए, गाजी साहब गजब हो गया, अकेले महिला ने चाप दिया आप लोगों को। कोई नहीं चापा है, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है। मैं तथ्यात्मक बात आपसे कर रहा हूँ। 2014 में हम 92,000 वोटों से जीते थे, 92,000 से अधिक वोटों से। 2019 क्यों हार गए? 2019 में गठबंधन के बाद हम हारे थे। इस बार हम 1.5 लाख वोट से कम जीतेंगे। अच्छा। निश्चित रूप से 1.5 लाख और 80 मनकों की माला में एक मन का जीतेंगे। क्या होगा इस बार? देखिए मेरे देश की विडंबना, सवाल क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो जनता करती नहीं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो बनेगा कांग्रेस का। कांग्रेस का? और नगीने में सुनो, एक तो है व्यापारी और एक है 38 मुकदमों का आरोपी। और यहाँ सबसे पढ़ा लिखा आदमी आया जज की नौकरी छोड़कर इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस नगीना को बचाने के लिए, इस नगीना को जिला बचाने के लिए, इस नगीना की जो मिल बंद पड़ी है कताई मिल उसे चालू कराने के लिए, युवाओं की माँ और बहनों की इज्जत के लिए और गौशाला बचाने के लिए और आने के लिए। बताओ भाई कांग्रेसी कौन बनेगा प्रधान? देखिए सिर्फ गठबंधन का बनेगा। गठबंधन में तय तो नहीं हो पाया कि कौन बनेगा? बिल्कुल तय है, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट। मोदी जी मजे ले रहे हैं बिहार से। मोदी जी का काम मजे लेना है और झूठ बोलना। मजा लेने का काम क्यों दे रहे हो औसा? उनका यही काम है। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर इंडिया गठबंधन, इंडिया नहीं बोलते इंडी गठबंधन, इंडी में जो आपस में सिर फुटाउल है उस पे मजा ले रहे हैं वो। इनकी हताशा बता रही है कि कांग्रेस आ रही है? कह रहे हैं कि ठंडे पड़े हैं इंडी। तो जुमले नहीं हाथ आ रहे कांग्रेस साहब। अब्बास गाजी साहब ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद पर क्यों भरोसा करे नगीना की जनता? देखिए चंद्रशेखर आजाद जी के कार्य को नगीना की जनता ने खूब कायदे से देख लिया है। चार सालों से, पांच सालों से देख लिया भाई आप लोगों ने। चार पांच सालों से जो व्यक्ति घर परिवार छोड़ के समाज की लड़ाई लड़ रहा है, तो अब जनता को मौका मिला है नया विकल्प चुनने का। और ये मान के चलिए कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों का विकल्प बन के आजाद समाज पार्टी एक नई भारत लिखने के। आ भाई बसपा ही बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अगर 40 सीट बसपा की आ गई और 240 भाजपा की तो बताओ कौन बनेगा? कौन बनेगा भाई बताओ? 40 सीट बसपा की आ गई और 240 भाजपा की आ गई तो कौन बनेगा? कौन बनेगा? मायावती जाटा बनेगी। मायावती बनेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।